हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। इस वीडियो में इंडक्टर एंड कैपेसिटर का मैं थोड़ा कंपैरिजन करूंगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी जो इंडक्टर और कैपेसिटर पर जो वीडियो बनी है, सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली वीडियो है। ठीक है, तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर का कंपैरिजन जो करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, इस तरफ इंडक्टर लिख लेते हैं और इस तरफ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैप इंडक्टर इज गिवन बाई हाफ एल आई स्क्वायर। बहुत मरतबा पूछा जा चुका है कि एनर्जी स्टोर्ड इन दी इंडक्टर क्या होगी, हाफ एल आई स्क्वायर होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर इज गिवन बाई हाफ सी वी स्क्वायर। बहुत सिंपल, इनका डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है। जो मैंने एनर्जी आपके में पढ़ाया था, जब पहले एनर्जी, तो मैंने फॉर्मूला बताया था इंटीग्रल पी डॉट डी टी। आप बस सिंपल पावर लगाइए, पावर क्या होती है, वी डॉट आई, ठीक है। तो वी का वी इज इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। आप सिंपल इसमें पुट कीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, जीरो टू टी अगर इनिशियली रिलैक्स जाए तो, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन उसका ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, तो आप सीधे भी इसको पढ़ सकते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी इन दी कैपेसिटर होती है। यूजफुल नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप अगर डेरिवेशन इसका देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, इमेज सेंड कर दूंगा, ठीक है, कम्युनिटी पे डाल दूंगा। तो हाफ एल आई स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर एंड एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। अब बात करेंगे कि फॉर डी सी सप्लाई इंडक्टर कैसे बिहेव करता है और कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। तो आप जानते हैं इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, ठीक है। डीसी सप्लाई अगर मैं दे रहा हूँ तो चेंज इन करंट कितना होगा, डी आई यानी कि चेंज इन करंट कितना होगा, जीरो। डीसी सप्लाई ऐसी होती है उसमें करंट भी नहीं चेंज होता और वोल्टेज भी चेंज नहीं होता समय के साथ, ठीक है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो चेंज इन करंट कितना हो गया, जीरो, तो वोल्टेज हो गया जीरो। वोल्टेज इक्वल टू जीरो होने का क्या मतलब है कि कैप जो इंडक्टर होगा वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। अगर आप उसके अक्रॉस जो है डीसी सप्लाई अगर देंगे इंडक्टर के अक्रॉस, तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और कैपेसिटर आपका कैसे बिहेव करेगा, आई इज इक्वल टू एक फॉर्मूला पढ़ाता सी डी वी बाई डी टी। तो चेंज इन वोल्टेज कितना होता है, चेंज इन वोल्टेज डीसी सप्लाई में कितना होता है, डीसी सप्लाई में दे रहा हूं अगर, तो जीरो होता है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू जीरो एम्पियर, ठीक है। अगर मैं डीसी सप्लाई अगर कैपेसिटर के अक्रॉस दूंगा डीसी सप्लाई, तो आपका कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, करंट देखो, करंट जीरो किसी सर्किट में, करंट कब जीरो हो रही है, होती है। जैसे मान लो सर्किट ऐसे करके यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा दिया और यहाँ पर ओपन है, ठीक है, तो ओपन होगा तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी, जीरो एम्पियर। तो ऐसे ही जो कैपेसिटर, यहाँ पर करंट कितनी आए, जीरो एम्पियर। इसी इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर जो होगा वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, और इंडक्टर डीसी सप्लाई के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सेम बिहेवियर इंडक्टर और कैपेसिटर का तब भी होगा जब ये दोनों स्टेडी स्टेट में होंगे। स्टडी स्टेट यानी कि जब कैपेसिटर इंडक्टर पूरा चार्ज हो जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। स्टडी स्टेट यानी कि फुली चार्ज, यहाँ तक शायद बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद आता है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि इंडक्टर जो होता है वो अपने थ्रू जो करंट फ्लो होता है उसमें एब्रप्ट चेंज को अलाउ नहीं करता।
एब्रप्ट चेंज यानी कि सडनली चेंज को इंडक्टर अलाउ नहीं करता। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डू नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ इंडक्टर। क्या नहीं अलाउ करता? सडन चेंज ऑफ करंट। ठीक है। और कैपेसिटर अपने अक्रॉस, जो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसमें सडन चेंज को अलाउ नहीं करता। तो कैपेसिटर वोल्टेज, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। डू नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज कौन नहीं करता? कैपेसिटर। ये 2008 में पूछा गया है। एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर और एनर्जी इन दो इन स्टोर्ड इन दी इंडक्टर कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। जो इंडक्टेंस की यूनिट होती है वो क्या होती है? हेनरी। और जो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है वो क्या होती है? फेराड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका अगर मैं डेरिवेशन बताना चाहूँ तो इसका डेरिवेशन कैसे होगा वो बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि डेरिवेशन कह लो या प्रूफ कह लो, इस चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे? आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। एब्रप्ट चेंज माने क्या होता है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। एब्रप्ट चेंज यानी कि 0 सेकंड में, एब्रप्ट यानी कि अचानक से, 0 सेकंड में, बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो एब्रप्ट चेंज यानी कि 0 सेकंड में करंट में चेंज, करंट में चेंज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले में यही चीज पुट कर देता हूँ। एब्रप्ट चेंज यानी कि चेंज इन टाइम बिल्कुल 0 सेकंड है और चेंज इन करंट फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है जी। ठीक है, कुछ कुछ चेंज इन करंट तो हो ही रहा है अगर हम अपने एजम्पशन के हिसाब से देख रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? मान लीजिए एब्रप्ट चेंज इन करंट हो रहा है तो क्या होगा? तो एब्रप्ट चेंज इन करंट हो रहा है तो इसका मतलब जो चेंज इन टाइम है वो 0 सेकंड है और चेंज इन करंट फाइनाइट है। तो जो वोल्टेज जो आएगा, देखो कोई भी फाइनाइट वैल्यू अपॉन 0 जब आता है तो क्या आता है? इनफाइनाइट। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं है। कोई भी चीज़ इनफाइनाइट हो सकती है? नहीं हो सकती। वोल्टेज इनफाइनाइट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब इंडक्टर डू नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करेंट। अगर ये चीज समझ में भी नहीं आई हो तो ये इसको परफेक्ट याद कर लें। ठीक है, ऐसा ही कैपेसिटर के केस में होता है। आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। एब्रप्ट चेंज यानी कि टाइम 0 है, ठीक है, और जो वोल्टेज है वो फाइनाइट है, चेंज इन वोल्टेज फाइनाइट है। ये क्या कर रहा है? हमने एज्यूम किया है कि मान लिया जाए कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है एब्रप्टली, तब क्या होगा? ठीक है, तो आई इज इक्वल टू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो क्या कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो सकती है वो किसी भी चीज़ के थ्रू करंट जो फ्लो हो सकती है वो इनफाइनाइट हो सकती है? दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो दैट्स वाई आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। यहाँ पर हम गलत साबित हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या साबित हुआ? कि वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस सडन चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां तक कंपैरिजन मेरा खत्म हो गया। अब मैं आपको ऐसा कर रहा हूं, जो एनर्जी स्टोर्ड इन द उसका डेरिवेशन भी कर ही देता हूं, वरना कई बच्चों के मन में भी वही बात खटक रही होगी। इनने स्टार्टिंग में बताया, बताया नहीं पूरा। ठीक है, चलो बता दे। तो देखो कैपेसिटर के लिए बता दे रहा हूँ एनर्जी स्टोर, इंडक्टर के लिए आप अपने आप निकाल देना। कैपेसिटर के लिए क्या हिसाब है? आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, आपने फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वी डॉट आई होता है, वोल्टेज इंटू करेंट कितना हो गया? सी डी वी बाई डी टाउ डी टी पी। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर इज गिवन बाई, एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? इंटीग्रल ऑफ पी डॉट डी टी किस डी टाउ। ठीक है, यहाँ पे टाइम अलग ले लिया क्योंकि 0 टू टी लिमिट में ले रहे हैं।
ठीक है, जीरो टू टी। जीरो टू टी क्यों लिया है, माइनस इन्फिनिटी टू टी क्यों नहीं लिया, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इनिशियली रिलैक्स्ड है। पी की वैल्यू रख दो, जीरो टू टी सी वी डी वी बाई डी टाउ डॉट डी टाउ, तो आ गया ये जीरो टू टी सी वी डी वी। ठीक है, वी का इंटीग्रल करोगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू टी जीरो। ये जब डी वी पीछे है तो लिमिट का मतलब जानते तो होगे, लिमिट का मतलब ये होता है अगर वोल्टेज डी वी है ना, तो इसका मतलब लिमिट का मतलब ये हुआ वोल्टेज एट टाइम टी, वोल्टेज एट टाइम जीरो, तो वोल्टेज एट टाइम जीरो क्या है, जीरो। ठीक है, तो लिमिट जब रखोगे तो क्या आएगा, वोल्ट ऐसे रखोगे ना सी वी टी स्क्वायर बाई टू, यानी कि वोल्टेज एट टाइम टी माइनस वोल्टेज एट टाइम जीरो का स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो वोल्टेज एट टाइम टी कितना है वी, ठीक है वी स्क्वायर बाई टू, और वोल्टेज एट टाइम जीरो कितना है जीरो, तो ये चला गया, ये जीरो में चला गया। तो हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर। तो ऐसे ही आप इंडक्टर का भी प्रूव कर लो। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।